हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई बज रहे सुबह के 9 और हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज हमें गाड़ी की लाइटें वगैरह ठीक करवानी थी, म्यूजिक सिस्टम ठीक करवाना था, तो आज निकलना भी है। तो उठे, अब काम करवा रहे हैं, अंदर पूरी गाड़ी खुली पड़ी है, म्यूजिक सिस्टम ओके हो गया, बस बेस रह गया और कर रहे हैं भाई लाइटें। जो लाइटें हैं अपनी गाड़ी में बंद पड़ी हैं, ऐसे आप देखो यहाँ पे भी हैं, ये नीचे जितनी भी लाइटें हैं गाड़ी है काफ़ी हैं, पर सब ठीक करवा रहे हैं, हॉर्न ठीक करवा रहे हैं। तो निकलेंगे अभी घर के लिए, जाके फ्रेश होंगे फिर आएंगे वापस से। चल रहा है भाई अभी भी काम, काफ़ी काम हो गया है को। यहाँ पे मेरे ख्याल जो वायरिंग थी वो पूरी मस्त होगी। यहाँ क्लोज लो, यहाँ पे चार्जर का पॉइंट आ गया भाई, यहाँ पे नया चार्जर लगाएंगे हम, नया चार्जर भी लेके रखा है अभी भाई कर रहे हैं, और लाइटें फिट। अंदर से पूरी गाड़ी पर देखो कितनी ख़राब हालत हुई हुई है, सारा सामान ये वायरिंग, बस थोड़ी देर में वायरिंग वगैरह हो जाएगी। और यहाँ की एक बात और है, यहाँ पे ना प्यारी प्यारी सी हवा चलती रहती है, देखो झंडा हिल रहा है, मतलब हवा चलती रहती है, चलती रहती है। ऑलमोस्ट भाई हो गया गाड़ी का काम, बस अब एक कटर्स लगा रहे हैं इधर जो एक हमारे पास है, तो काफ़ी चीज़ें नहीं लगाई हैं, थोड़ी देर में दिखाएंगे, पहले गाड़ी थोड़ी सेट कर लें, एक बार सफाई कर रहे हैं गाड़ी के भी, बस आगे वाला काम बॉक्स वगैरह है वो सारी सेट कर दी, किस बॉक्स में क्या सामान हमें पता है, बस आगे का थोड़ा रह गया ना। वो भाई फाइनली अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट भाई सेट हो चुकी है। अभी साहिल भाई यहाँ का निरीक्षण करने आए, मतलब पास करने। सर कैसी लगा आपको? ओके, अभी देखो यहाँ से ऐसा कुछ साफ सफाई की, पूरा झंडे भी नहीं लगा दिए, वो देखो वहाँ पे कनाडा का, ये कहाँ का है, अमेरिका का, वहाँ पे इंडिया का, सभी फ्लैग चल रहे हैं। अभी और भी सामान यहाँ पे पड़ा है देखो इतना, अभी इसको हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ लगाएं, यहाँ भी है, अभी और भी लाया उस गाड़ी पे है, लगाएंगे सब अभी यहाँ पे, यहाँ पे लगा दिए कटम्स, और एक चार्जर का पॉइंट गाइस यहाँ पे आ गया अपना, और एक मैन चार्जर यहाँ पे आ गया भाई। फाइनली अब अपनी गाड़ी हो गई है रेडी, ये देखो भाई गोरन भी लगा दिए लास्ट, ये यहाँ पे लगाया, बॉक्स का खुला है, बॉक्स बंद सब, कर्टन्स बाहर आ जाएगा, खोल इसको निकाल, कर्टन बाहर निकाल, कर्टन को बाहर निकाल, चल दूसरा निकाल, चल डाल पूरे में डाल, बंद कर इसको, कर पीछे वाले को। अब हो गया भाई गाड़ी का पार्टीशन, सोने वाला कैबिन अलग से, अपने यहाँ पे स्पीकर म्यूजिक सिस्टम आ गया, अभी जो बेस है वो करना है इंस्टॉल, बाकी देखो बाहर से बस साफ कर लिए गाड़ी, फिर दिखाएंगे भाई ये चीज़ लगानी है एक और, बस अपनी गाड़ी होगी मस्त। कमेंट में जरूर बताना गाड़ी कैसी लग रही है, आज फर्स्ट ट्रिप पे निकलेंगे हम तीनों गाड़ियाँ लेके, कैंटर भी तो ये दोनों 10 चक्का भी। तो साहिल भाई उनको आगे जाना है गुवाहाटी से, मतलब गुवाहाटी वाली साइड जाना है, तो मुझे थोड़ा पीछे जाना है उनसे थोड़ा ही, कोई 400 किलोमीटर। ओ भाई शुभम भाई शायद के चले गए कैंटर लेके, अभी बस बैठेंगे इस गाड़ी वाला, खाना खाएंगे फिर जाएंगे शुभम भाई के घर पे, नहाएंगे धोएंगे अपने कपड़े वगैरह चेंज करेंगे फिर निकल जाएंगे। कहाँ? तो भाई कर रहे हैं शुभम भाई आराम, हम आगे छत पे, यहाँ की धूप भी बड़ी प्यारी सी है, मतलब हवा चलती रहती है हमेशा, 24 घंटे हवा चलती रहती है। ये आ गया रायपुर सिटी, और भाई इस जगह का नाम ही श्रीनगर है, तो यहाँ पे है। तो भाई नहा धो के हो गए यहाँ पे फ्रेश, घर पे आए थे भाई के, तो बस तो मैं और साहिल भाई नहा धो के फ्रेश है, बस अब शुभम भाई फ्रेश हो फिर निकलेंगे यहाँ बैठ के, देखो टीवी देख रहे हैं, मस्त ए सी हो रहा है यार, मज़ा आ रहा है, निकलने का मन नहीं कर रहा, पर यार फिर भी आज सफ़र तय कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया मैं यहाँ पे भी, तो भी बज रहे 7:17, मतलब 5:06 तक निकल जाएंगे हम यहाँ से। ओ भाई मतलब वहाँ पे हम सो गए, इतना लेट हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, थैंक सेंटर फ्रेश, हाँ यहाँ पे ले रहे थोड़ा सामान, पर भी जाएंगे यार लेट हो गए काफ़ी, है हाँ कुछ स्पेशल वेंट ही लाओ रहा, जाना कारा जाना अखबारा जैसा मत करना, जाना कारा हाँ, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो रात को नींद ना आए, जिसको खाते रहे ओपरा केड़ी मिर्ची भरी है दोनों जल्दी ना आए यार, सेंटर फ्रेश ले रहे ना, मतलब रात को चलना आज फुल नाइट हमारे यहाँ, तभी ताहिर भाई और कर रहे होंगे इंतज़ार हमारा, बस जाएँ गाड़ी निकालेंगे तेल वगैरह डालेंगे। सो गाइस फाइनली पहुँच गए अपनी गाड़ी पर, बस अब निकलने की तैयारी, भाई गए शायद ATM में पैसे वगैरह निकालने के लिए, जैसे आते हैं सब निकलेंगे, यहाँ पे अपने भाई आए, पर भाई ना काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं यार 6 बजे से, तो भाई सॉरी यार, मतलब हम चले गए घर पे भी यार, शुभम भाई वहाँ पे सो गए, फिर टाइम लग गया आने पे, भाई की यहाँ पे गाड़ी है अपनी 14 चक्का, वहाँ पे बन रहा है भाई की गाड़ी पे खाना, और खाली करके भाई जा रहे हैं MP है ना, MP जा रहे हैं, तो हम भी निकलेंगे बस अभी गाड़ी, ताहिर हाँ 2 मिनट नीचे आइए, क्यों काम है, अपनी गाड़ी भी कर दी हमने ओके, साहिल भाई की गाड़ी भी होगी स्टार्ट, अब निकलेंगे, कैंटर वहाँ खड़ा, बस यहाँ से अब निकलने वाले हैं, बस कुछ टाइम पे ही सब कर रहे हैं तैयारी निकलने की, जा रहे हैं गाइस तेल डालने के लिए, साहिल भाई चले गए, बस अब धीरे धीरे मैं भी जा रहा हूँ आगे गाइस पंप पर, डाल रहे हैं अब कैंटर पे तेल,
फिर अपनी गाड़ी पर डलेगा, फिर साहिल भाई की गाड़ी पर। साहिल भाई गाड़ी उस तरफ है, वो वेट कर रहे हैं। डल रहा है गाइस डीजल अपनी गाड़ी पर, अब टैंकी फुल करवाएंगे। इसकी भी टैंकी फुल हो रही है, साहिल भाई वहाँ पर डाल रहे हैं। तो बस अब निकलेंगे, कंटिन्यू करेंगे सफ़र अपना आगे। गौरव भी आज फर्स्ट नाइट है, फुल नाइट चलने की प्लानिंग है। अब देखते हैं कुछ और काम भी करवाना, आगे रुकेंगे एक जगह पे। तो यहाँ पे ना एक दिक्कत और आ रही है, क्योंकि आपको पता है ना, जो भी ट्रक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जो नहीं भी चला रहे, एचपी पंप पे तेल अपना ख़त्म है, मतलब एचपी पंप पे तेल नहीं मिल रहा। उसकी वजह से इंडियन ऑयल के यहाँ पे बंद कर रहा, इंडियन ऑयल के पंप पे भाई काफ़ी रश है और टर्न नहीं आ रही है। गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखो कि लाइन पे खड़ी हैं, टर्न मैटर घूम के अंदर आ रही है, तेल डाल रहे हैं फिर निकल रहे, क्योंकि एक गाड़ी में मान के चलो आधा घंटा लगता है तेल डालने में, क्योंकि वो टैंकी है 300-350 लीटर की, अपनी भी 350 लीटर की, मतलब 450-380 की, उसको भी फुल कराने में आधा घंटा लगेगा अभी। तो खाना भी आके खाएंगे, निकलेंगे अभी फिर। निकल चुके अब साहिल भाई आगे चले गए, हमें ना पंप से निकलने में टाइम लग गया, वो आगे निकल गए, खींच के जा रहे हैं, उनको पकड़ते हैं, चलेंगे हम कंटिन्यू ही। ओके गाइस 6 लाइन पर वो आगे जा रही है साहिल भाई वाली गाड़ी, तो चल रहे हैं भाई धीरे धीरे। अभी आ गया गाइस पहला टोल, तो गर्मी भाई इतनी ज्यादा इस गाड़ी पे लग रही है अभी, ने पूरा टोल कट जा यार, कई बार टोल बहुत टाइम लगवाते हैं यार। हमको लगा ना भाई आगे शुभम भाई, पर भाई शुभम भाई पीछे, तो यहाँ पे अब खड़े हो गए हम टोल क्रॉस करके ही, अब करेंगे उनका इंतजार फिर निकलेंगे आगे। यहाँ पे ताहिर भाई कर रहे हैं टायर चेक, और यहाँ पे गौरव भी कर रहा है टायर चेक, अभी नया है उसके, एक बार खुद भी देखने पड़ते हैं। ये देखो भाई ये लाइटें आई ठीक है भाई सुबह हमने, और इंडिकेटर भी सभी चल रहे हैं। यहाँ पे गौरव काफी टाइम से यहाँ पे कुछ कर रहा है यार, से पूछते हो पर आ क्या हो गया, ठीक है टायर ने मेरा। ओ गाइस टायर पंचर हो गया एक यार, अभी निकले थे, आए शुभम भाई भी अब खोलेंगे। तो भाई अब टायर पंचर हो गया, अब क्या कर सकते हैं, भाई बोल रहे आगे चलो आगे बनवाते हैं, निकल गए सारे, साहिल भाई भी निकल गए उस जगह गाइस पहुंच गए, यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, यही रुके थे यहाँ पे आए थे शुभम भाई। साहिल भाई पीछे आ रहे हैं, यहाँ खड़ी की गाड़ी पर पूछते हैं टायर वाला किधर है, टायर बनवाएंगे पहले। ओ भाई यहाँ पे आए, पर यहाँ पे ना हमारे साथ तो मशीन से हो जाएगा, पर मशीन यहाँ पे दुकान होगी है बंद, बस हम खुद ही करने वाले हैं, यहाँ चैपली लगाएंगे थोड़ी देर, चैपली आलू की तरह टायर खोल रहे हैं, नेट खोल रहे हैं, आलू होता ना उबला हुआ, कैसे आलू की छोटी राड नहीं है उसमें, देखने छोटी राड है। तो भाई टायर वगैरह कर रही है चेंज, अब अपने पास ना जैसे ये टैंकी है, दिखाता हूँ मैं आपको ना, ये देखो ये टैंकी आ गई, इस पर पानी भरेंगे हाथ वगैरह धोने के लिए, एक उस साइड ड्रम है और उस पर 200 लीटर पानी आता है, वो भर लेंगे तो टेंशन नहीं है, हाथ मुंह धोना कहीं, कपड़े भी हल्के मुड़के धोने आप दो सकते, क्योंकि 200 लीटर पानी काफ़ी रहता है 10 दिन की ट्रिप के लिए। यहाँ पर पियेंगे चाय, फिर यहाँ से निकलेंगे अभी इस रोड से, उधर जाना है हमको, और ये वही जगह यहाँ पर हम जब आए थे यहाँ पर हम यहीं रुके थे, ये साहिल भाई यहाँ पर रुके भाई, टायर वगैरह कर लिया चेंज, यूरिया भी डाल लिया, पानी भर लिया, बस अब चाय पियेंगे खाना खाएंगे उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि 12 बजने वाले, खाना खा लें एक ही बार ना, तो फिर कहाँ रास्ते में रुकते रहेंगे, फिर चाय वगैरह पी लेंगे भाई। कर रहे हैं हम खाने का इंतज़ार,
खाना आता है, आधा बनाया गाड़ी पे, आधा यहाँ से ले रहे हैं, मिलजुल के खाएंगे खाना फिर निकलेंगे यहाँ से। आ गया गाइस अपना खाना यहाँ पे, ताहिर भाई ने आज खाना बना दिया। हम वहाँ पे गए थे ना बाइक पर नहाने के लिए, ताहिर भाई ने खाना पूरा बना दिया। यहाँ से हम ले आए सब्जी रोटी खाएंगे खाना भी निकलेंगे। तो गाइस अभी ना 1:30 बज गया, यहाँ पे खाना खाया, चाय पी, यहीं बैठे थे, गाड़ी पे कुछ सामान लिया, ऐसे शीशे के सामने ब्लैक वो करने के लिए वो लिया। अब इस पर डाल रहे हैं तिरपाल एक और, उस पर बेल्टें वगैरह डाल देंगे, तो बस फिर निकलेंगे यहाँ से। सो गाइस ऑलमोस्ट अपना रस्सा तिरपाल हो गया है, तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को करेंगे यहाँ पे ही एंड, क्योंकि ना काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई नाइट ब्लॉग लाओ नाइट ब्लॉग लाओ, तो नाइट ब्लॉग करेंगे शूट, क्योंकि आज हम फुल नाइट चलने वाले हैं। अगर इसी को नाइट पे करेंगे आपको भी देखने का मज़ा नहीं आएगा। सो एक नया ब्लॉग बनाते हैं, वो आप देखना कल सुबह 9 बजे आएगा। अब से जो भी हम जब भी चलेंगे जो नाइट के ब्लॉग रहेंगे ना वो आपको दिखाएंगे सुबह, क्योंकि भाई नाइट में भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एक ड्राइवर जैसे पूरी नाइट चल रहा है भाई, क्योंकि रात सोने के लिए होती है। एक जो आम इंसान है वो जब वो सोएगा आराम से ऐसा लगेगा कि अभी मैं सोया, जस्ट सुबह होगी। भाई हमसे पूछो यार, जो भाई हैं यहाँ पे सब जो ऐसे ट्रक वाले भाई हैं जितने यहाँ पे चल रहे हैं, देखो काम कर रहे हैं, कोई टायर चेंज कर रहा है, जैसे अभी ताहिर वो ऊपर चढ़ा, ताहिर रस्सा कर रहा है, मतलब अपनी 1:30 बजे का टाइम है, अपनी ज़िंदगी ऐसी है, पूरी पूरी रात चलना, कैसे चलते हैं, कितनी नींद आती है। भाई नींद तो हम भी इंसान हैं, हमें भी आती है। सो कोई नहीं भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। काफ़ी आप प्यार दिखा रहे हो भाई, आपके प्यार से 200K हो गए, उसके लिए भाई दिल से थैंक यू। बस अब अपना अगले नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ेंगे भाई, 300K का टारगेट लेके। तो भाई टेक केयर, बाय बाय।